प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखते हैं ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स। इंडक्टर्स को कैसे हम लोग ग्रुप में लाते हैं, कैसे जोड़ते हैं उसको आज सीखते हैं। तो आइए सीखते हैं ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स। चलो तो सीखते हैं ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स क्या होता है और कैसे उसको करते हैं हम लोग। तो आइए सीखते हैं ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर सीखना हम लोगों को। सिक्स नंबर चैप्टर हम लोगों का है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बोलो तो EMI है, ये EMI है। देखो बेटा, इसमें होता क्या है, EMI में हम लोग सीखते हैं पहले ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स कैसे होता है। इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं इसको या इंडक्टर बोल सकते हैं। देखो ध्यान से, EMI को ग्रुपिंग में हम लोग इसमें देखेंगे ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स या इंडक्टेंसेस। ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स और इंडक्टेंसेस, यही बात सेम है। अब देखो इसमें दो तरह से ग्रुप में हम लोग लाते हैं। फर्स्ट देखो बेटा, फर्स्ट है इंडक्टेंसेस, या इसे लिख लो इंडक्टेंसेस इन सीरीज ग्रुपिंग। लिख लोगे, बोल लोगे, कर लोगे, क्लियर है। सीरीज ग्रुपिंग, इंडक्टेंसेस इन सीरीज ग्रुपिंग और सीरीज ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स। सीरीज ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स, क्लियर है। अब सेकेंड हम लोगों को इंडक्टेंसेस इन पैरेलल ग्रुपिंग। देखो बेटा, ये क्या होता है पैरेलल ग्रुपिंग, और इसको बोलते हैं पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स। तो आओ सीखते हैं सीरीज ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स क्या होता है। सीखो ध्यान से, कल साउंड नहीं गया था, आज समझ में आ जाएगी। सीरीज ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स या इंडक्टेंसेस इन सीरीज ग्रुपिंग, तो आओ सीखता हूँ। फर्स्ट क्या है सीरीज ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स, मिटा ले, चलो मिटाता हूँ। सीरीज ग्रुपिंग में क्या सेम रहता है, सभी जगह वही फंडामेंटल रूल जो है, करंट सेम रहेगा, वोल्टेज डिवाइड करेगा। अरे कहाँ सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा और वोल्टेज डिवाइड करेगा, तो वही चीज है। फर्स्ट देखो, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स और इसी को हम बोल सकते हैं इंडक्टेंसेस इन सीरीज ग्रुपिंग। देखो इसका सिंपल सा डिफिनेशन है, इन दिस केस, देखो बेटा यहाँ देखो, करा इन दिस केस द वैल्यू ऑफ करंट फॉलोइंग थ्रू ईच ऑफ इंडक्टेंस रिमेन सेम, करंट सेम जाएगा। इन दिस केस द वैल्यू ऑफ करंट फॉलोइंग थ्रू ईच ऑफ इंडक्टर क्वाइल्स रिमेंस सेम वेयर एज potential difference, बोलो तो PD will be different, क्लियर है। यानी PD डिफरेंट रहेगा इस केस में, क्या डिफरेंट रहेगा, PD बोलो तो potential difference क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा बेटा
चलो डिफरेंट लिख दिया, इसको डिफरेंट लिख दिया है, पढ़ लेगा। और करंट क्या रहेगा, करंट रिमेन सेम, करंट सेम रहेगा। तो आओ इसको प्रूफ करते हैं, हम लोग सीखते हैं। कह रहा है इन दिस केस द वैल्यू ऑफ करंट फ्लो थ्रू ईच ऑफ इंडक्टर कॉइल्स रिमेन सेम वेयर एज पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट, पी डी पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा और करंट सेम रहेगा। क्लियर? तो आओ सीखता हूँ इसको, मिटा लें, चलो मिटाता हूँ। सीख रहे हो? इसमें देखो सेम रूल वही है जो चल रहा है हम लोगों के सामने, कुछ है ज्यादा नहीं इसमें। अब देखो अब आ रहा हम लोग सामने, इसमें क्या सेम रहा, तो सेम रहा, थोड़ा इंक डाल लेता हूँ, इंक खत्म हो गया है। देखो ध्यान से इंक कैसे डालते हैं, देखो इंक डाल लिए। अब देखो सीखो, इसमें हम लोग सीरीज पढ़ रहे हैं, तो सीरीज का मतलब ये होता बेटा, इसमें दो केस होगा, सीरीज एडिंग और सीरीज अपोजिंग। तो फर्स्ट केस आएगा, केस फर्स्ट सीरीज एडिंग, सीरीज एडिंग फ्लक्स। तो एडिंग फ्लक्स में क्या होगा, ये देखो ऐसा होगा, ये इंडक्टर्स बना रहा हूँ, चलो बना दिया, और ये भी इंडक्टर्स हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल बनाओ, ज़्यादा डिजाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं, इंडक्टर्स है। क्लियर? इंडक्टर्स है, इसमें देखो फ्लक्स ये पास कर रहा है, ये सीरीज एडिंग है, जिधर से करंट जाएगा उधर से फ्लक्स पास करेगा, चलो फ्लक्स पास किया ये। क्लियर है? ये एल वन है, ये एल टू है, इसको डिजाइन भी कर सकते हो आप। ये ई वोल्टेज अप्लाई किया, इसके अक्रॉस बेटा वोल्टेज ई वन होगा और इसके अक्रॉस वोल्टेज ई टू होगा। क्लियर? टोटल वोल्टेज आपने अप्लाई ई किया, इसका इक्विवेलेंट हम लोग खींचेंगे, इक्विवेलेंट खींचेंगे तो क्या होगा, इक्विवेलेंट या इफेक्टिव एल टी लिखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा इसका। देखो एक डिजाइन ऐसा भी होता है, चलो उसको भी कर देता हूँ, हो गए नहीं किए थे सर, चलो कर देता हूँ। ये देखो ऐसा भी डिजाइन होता है, ये ऐसा भी होता है डिजाइन, लेकिन बात वही सेम ही कह रहा, चलो डिजाइन कर रहा हूँ, ये कुछ है नहीं, बात वही है जो सेम कह रहा। इसके अक्रॉस वोल्टेज ही अप्लाई होगा, चलो बीच में अप्लाई करो, कात में क्यों कर रहे हो, चलो कर लिया अप्लाई, भारी तो नहीं आसान लगेगा आपको। देखो आई करंट यहाँ भी जा रहा, आई करंट यहाँ पर, करंट सेम होगा, ये सेम करंट जाएगा इसमें और वही करंट यहाँ निकला, जो जितना डालोगे उतना ही यहाँ पर निकालोगे। निकाल रहे हो, समझ रहे हो बात को, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पर वही करंट आ रहा है, वही करंट यहाँ पर जाएगा, जितना डालोगे उतना ही निकालोगे, ये ई वन रहेगा और ये ई टू रहेगा। क्लियर है? ये रहा हम लोगों को ई एम एफ का, ये एल वन है, ये एल टू है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बेटा खींचेंगे। इक्विवेलेंट सर्किट मीन्स ये रहा आपके सामने, रहा नहीं आ रहा, देखो ध्यान से, ये रहा नहीं आ रहा है, आ गया ये तेरे सामने, करंट आ जा रहा है, यही करंट यहाँ आ रहा है, इसका नाम एल टी दिया। क्लियर है? एल टी बोलो तो इक्विवेलेंट या इफेक्टिव बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, इंडक्टेंस इन सीरीज ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग बोल लोगे, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा जो बटता वही तो जुटता है, तो बट कौन रहा है इसमें, बट रहा ई एम एफ वोल्टेज बट रहा है, तो सम ऑफ यहाँ से दिख जाएगा, चलो यहाँ से लिखता हूँ, यहाँ भी दिख रहा, चलो द सम ऑफ ई एम एफ, ई एम एफ का सम करेंगे हम लोग, ई एम एफ का सम क्या होगा, यानी ई इक्वल टू ई वन प्लस ई टू बेटा होगा, होगा ये सीरीज एडिंग है, सीरीज एडिंग है, तो आपने पढ़ा ई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो इस सर्किट के लिए ई वन होगा माइनस एल वन डी आई बाई डी टी, चलो कर लोगे, ई टू होगा माइनस एल टू डी आई बाई डी टी, कर लोगे बेटा, और ई इक्वल टू होगा माइनस एल टी डी आई बाई डी टी, यही तेरे सामने रहा। क्लियर? अब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा हम लोगों को, ये हो गया हम लोगों की इतना। अब देखो तो ई की वैल्यू क्या रखोगे, माइनस एल टी डी आई बाई डी टी, चलो रख दिया, करंट तो सेम जाना है इसमें, कोई टेंशन तो लेने वाली बात है नहीं, माइनस ये एल वन
डी आर बाई डी टी रखोगे, ये सब ब्रैकेट में चलेगा, प्लस माइनस एल टू डी आई वाई डी टी, ये भी इधर ऐसे हो गया माइनस एल टी डी आई वाई डी टी। अब देखो बेटा यहाँ पर ये क्या आएगा, ये माइनस डी आई वाई डी टी कॉमन ले लो डायरेक्ट, माइनस डी आई वाई डी टी कॉमन लो तो अंदर बचेगा एल वन प्लस एल टू जो बचा उसको लिख दिया। अब लिख दिया तो ये से ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, एल टी इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू, यानी जो रेसिस्टेंस का केस होता है वही यहाँ पर इंडक्टेंस का केस होता है, यानी दोनों को क्या करोगे बेटा जोड़ दोगे, सम कर दोगे, क्लियर है। चलो समझ गया, इसको देख लो एक नज़र। अब सीरीज एडिंग कर रहा है तो इसमें केस आ रहा है इफ देयर इज, यानी इसमें आ रहा है आपका हॉट्स। चलो देखो ध्यान से, मिटा ले इसको, चलो मिटाता हूँ, समझ में आ गया। चलो समझ रहे हो, स्क्रीनशॉट लिया, ले लिया। चलो अब देखो इसमें आ रहा हम लोग सामने, समझ में आ रहा है, समझ में रहे, समझ रहे हो। अब देखो इसमें, अब देखो इफ हॉट्स कह रहा है इफ, हाँ बेटा और अभी पढ़ाएंगे, देयर इज म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंडक्टेंस बोलो तो एम बिटवीन, बिटवीन टू क्वाइल्स, टू क्वाइल्स, क्लियर है, टू क्वाइल्स के बीच म्यूचुअल इंडक्शन एम है। तो देखो ध्यान से, इसको बोलते हैं फ्लक्सेस आर एडिटिव, एडिटिव माने जुड़ा हुआ रहेगा, एडिटिव, एडिटिव माने जुड़ा रहेगा। तो ये एल टी इजिकल टू होगा बेटा एल वन प्लस एल टू प्लस टू एम, ये फार्मूला आप लगाएंगे जब म्यूचुअल इंडक्शन दोनों कॉइल के बीच में रहेगा तो लगाएंगे ये फार्मूला, क्लियर है। चलो देखो ध्यान से, सीरीज एंडिंग का केस हम लोग खत्म हो गया। अब देखो सीरीज अपोजिंग क्या होता है, अपोज वाला बात करता हूँ अब, चलो मिटा ले। तो ये रहेगा टू एम प्लस में, अब देखो सीरीज अपोजिंग क्या होता है, अपोज मिटा ले इसको, चलो मिटा लेता हूँ। अब सीरीज अपोजिंग देखो, सीरीज अपोजिंग देखो ध्यान से, केस सेकंड आ रहा है, केस सेकंड सीरीज अपोजिंग, अपोजिंग अपोजिंग कैसा होगा बेटा, तो देखो ध्यान से, ये आपका इंडक्टर तो रहेगा जो जा रहा, ये थोड़ा डिजाइन हो जाता ऐसे करके, ऐसे करके डिजाइन हो जाता कैसे, तो देखो ध्यान से ऐसे डिजाइन हो जाता है, ये डिजाइन हो गया अपोजिंग, मीन्स ये करंट यहाँ आके निकल गया, देखो अपोज कर रहा माने उल्टा जा रहा, ये करंट यहाँ से डाला वही करंट यहाँ गया वही करंट यहाँ निकला, लेकिन इसका फ्लक्स ऐसे पास कर रहा बेटा, इसका फ्लक्स ये एल वन है और इसका फ्लक्स उल्टा, करंट की डायरेक्शन में फ्लक्स होता है, तो देखो ध्यान से ये एल टू उल्टा है, सीरीज अपोजिंग इसको बोलते हैं। इस केस में तो देखो इंडक्टेंस, टोटल इंडक्टेंस की बात करेगा तो एल वन प्लस एल टी हो एल टू ही होगा, लेकिन इसके बीच अगर म्यूचुअल इंडक्शन की बात करेगा, अगर एम दे रखा है, देखो बेटा यहाँ देखो ध्यान दो इधर, अगर यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन दिया हुआ एम, तो देखो ध्यान से इफ देयर इज, देयर इज म्यूचुअल इंडक्शन, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस एम बिटवीन, बिटवीन टू क्वाइल्स, टू क्वाइल्स, तो फ्लक्स, फ्लक्सेस, फ्लक्सेस आर सबट्रैक्टिव, सबट्रैक्टिव, सबट्रैक्टिव होगा बेटा, सबट्रैक्टिव होगा। इस केस में एल टी इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू माइनस टू एम हो जाएगा, यानी टू एम घटा देंगे म्यूचुअल इंडक्शन, यही हो गया हम लोगों को इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, इंडक्टेंस इन इफेक्टिव भी बोल लोगे कोई दिक्कत नहीं है, इन सीरीज ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग, क्लियर है। चलो ये समझ गए आप, अब आओ कोफिशियंट ऑफ कोपलिंग पढ़ाता हूँ, तीसरा लेक्चर इसका। चलो ओके बाय, आज यहीं तक रहेगा, टेक केयर, देख लिया। चलो देखो आवारा कोफिशियंट ऑफ कोपलिंग नेक्स्ट लेक्चर, इसके जस्ट बाद आ रहा तुरंत।